Hi everyone, this is Shogata Basu and welcome back to my channel Music Art. Actually मेरी चैनल पे ये पहली बार होने वाला है, so मैं थोड़ा excited हूँ. तो आप देखो मैं आज क्या बनाऊंगी. आज मैं जो बनाऊंगी वो मैं clay use करके बनाऊंगी, लेकिन कुछ different बनाने वाली हूँ. So keep watching. और जो मेरे चैनल पर नए हो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना और फ्रेंड्स में जरूर वीडियो को शेयर करना. वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले एक लाइटर लेना पड़ेगा. एक मोल्डेड लगेगा. मोल्डेड एक हार्ड एंड एक सॉफ्ट टेक्सचर का होता है. हार्ड एंड सॉफ्ट टेक्सचर के मोल्डेड को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा. जब तक इसकी टेक्सचर व्हाइटिश नहीं होता तब तक इसको मिक्स करना पड़ेगा. अब मैं यहाँ पर एक टैल्कम पाउडर यूज कर रही हूँ, क्योंकि टैल्कम पाउडर यूज करने से क्ले चिपक नहीं जाता. पहले एक पेपर के ऊपर मैं लीफ की शेप ड्रॉ कर ली थी एंड अभी मैं उसको क्ले के ऊपर बिठा कर ऐसे करके काट रही हूँ. अभी मैं क्ले की थोड़ा सा पार्ट लेकर हल्के हाथों से रोल करते जा रही हूँ. अभी मैं फेविकॉल के हेल्प से इसको लिफ्ट के ऊपर लगाऊंगी. आप देखो मैं कैसे लगा रही हूँ. एंड एक्स्ट्रा पार्ट को काट लेना पड़ेगा. हाँ, लाइटर को डेकोरेट करने का टाइम आ गया. सो मैं सबसे पहले प्राइमर यूज कर रही हूँ. लाइटर के पूरे बॉडी पे मैं व्हाइट प्राइमर लगाऊंगी. अभी मैं पत्ते को शेप देने वाली हूँ. सो लीफ को शेप देने के लिए मैं यहाँ पर एक टूल्स यूज कर रही हूँ. आप देख रहे हो मैं कैसे करके इसको शेप बना रही हूँ. टूल्स से हर एक पत्ते को ऐसे करके काटना पड़ेगा. लाइटर के ऊपर मैं जो प्राइमर लगाई थी वो अभी ड्राई हो गया है, तो अभी मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर पूरे लाइटर के ऊपर करूंगी. अभी मैं लिफ्ट के ऊपर पार्ल मेटालिक गोल्ड कलर यूज करूंगी. लिफ्ट के ऑपोजिट साइड पर फेविकॉल लगा रही हूँ और फेविकॉल की हेल्प से मैं इस लिफ्ट को लाइटर के ऊपर लगाऊंगी. लिफ्ट ड्राई हो जाने के बाद पर्ल मेटालिक कॉपर कलर में यूज कर रही हूँ. अभी आप फाइनल लुक देख रहे हो. Thank you.